सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में। इस वक्त मैं थाना थान गांव क्षेत्र के गौलोक कोणर के मजरा नगीनापुरवा संपर्क मार्ग पर खड़ा हूं, जहां पर तस्वीर में स्पष्ट आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जानलेवा खतरनाक एक गड्ढा बना हुआ है। RCC लगी है और नगीनापुरवा गई है और ये हाईवे रोड सीतापुर बहराइच मार्ग से संपर्क मार्ग है जो नगीनापुरवा के अंदर जाता है। आप तस्वीर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदर से ख़तरनाक गड्ढा है। जैसा कि जानकारी में आ रहा है, कई वर्षों से ऐसा पड़ा है और अभी तक जिम्मेदारों ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी या किसी की नज़रें इनायत नहीं हुई हैं। कभी भी कब कितने खन हादसा हो जाए कुछ पता नहीं, कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। दिखाते हैं, यहाँ पर ग्रामीण लामंद हैं, माताएँ और बहनें सभी, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने इस तरफ ध्यान इंगित नहीं किया है। बाढ़ का आगाज हो चुका है और उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि अगर बाढ़ के पहले ये दुरुस्त ना किया गया तो ये RCC रोड नाबूद हो सकती है और इस गांव का संपर्क टूट सकता है। पूरी बात करते हैं इन ग्रामीणों से कि ये मार्ग कहां से कहां तक गया है, किस रोड से लिंक है और कितने किलोमीटर लंबा है, क्या है, पूरी बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण और महिलाएं, बच्चे इस गांव के निवासी हैं और काफ़ी आजिज होकर के आज लामबंद हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आज मीडिया का सहारा लिया, इंगित करके उंगली से बता रहे हैं कि खतरनाक गड्ढा है इस गांव के लिए। पूरी बात करते हैं, आइए मिलाते हैं इन ग्रामीणों से, रूबरू हैं, क्यों लामबंद है। ये आप लोग कहाँ रहते हैं, इसी गाँव में रहते हैं? नगीनापुरा गाँव में रहते हैं। क्या नाम है आपका? आपका 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 घनश्याम। आपका लक्ष्मीधर। रामधार। रामधन। श्रीकांत। गोपीलाल। छोटेलाल। सभी का यही एक मात्र रास्ता है और कभी भी दिक्कत हो सकती है, कई लोग चोटिल हो चुके हैं। ये कितने दिन से गड्ढा है ये? हमारी यह घटना हुआ था। हाँ, अच्छा, चोटिल हो चुका है। अच्छा, ये कितने दिनों से गड्ढा है ये? दो साल से ऊपर हो गया। ये किस निधि से लगा हुआ था? ये सुलिका प्रमुखी था, जिला पंचायत उसमें लगा था। जिला पंचायत निधि से लगाया गया। और ये गड्ढा जब हुआ तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की? नहीं। शिकायत की गई लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो इससे अब तक कितने लोग चोटिल हो चुके हैं लगभग? दस बारह चोटिल। गाड़ी उल्टी गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कितने किलोमीटर लंबा होगा? एक किलोमीटर ये लंबा रास्ता है। ये कहाँ से संपर्क है इसका? हाईवे से है, हाईवे से नगीनापुरवा गांव तक। ये नगीनापुरवा गांव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से गुस्सा में नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र पत्र निधि से लगाया गया था RCC और अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। आखिरकार ये जानलेवा गड्ढा बना हुआ है, RCC उस पर जो लगी सीमेंटेड ईंटा गायब हो चुका है, बड़े बड़े खतरनाक गड्ढा हो चुके हैं और इसकी बिम और ये रोड RCC कभी भी नाबूद हो सकती है। बाढ़ का समय आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ग्रामीणों, नहीं तो कोई बड़ा हादसा, जैसा कि ग्रामीण बोले, इसको तत्काल में अगर बनवाया नहीं जाएगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो कि कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। बहुत जल्द इसको बनवाने की मांग की है ग्रामीणों ने। कहाँ गई है? कौन है गांव? ये कौन गांव है? ये कौन? नगीनापुरवा है। अच्छा, तो ये कितने दिन से गड्ढा है यहाँ पर? कितने साल हो गया? एक साल से। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू। तुम्हारा? शिवा। अच्छा, तो इसको ठीक नहीं किया गया? इससे कोई खतरा तो नहीं है? क्या खतरा है? अच्छा, एक साल से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाईवे रोड से नगीनापुरवा गया है RCC।